नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शाहिल। आपने लॉगिन किया है इंडिया समाचार। अगर आपको हमारी टीम की मेहनत पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें और हिम्मत दें। धन्यवाद। कस्बे के कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक डॉक्टर चंद्रशेखर बेद के गांवों का दौरा जारी रहा। बेद ने रविवार को तारानगर विधानसभा के सहावा क्षेत्र के गांव धीरवास छोटा धीरवास बड़ा वसाहा में संपर्क किया। इन गांवों में जैसे ही बेद पहुंचे तो गांव के लोगों ने बेद का जोर शोर से मल्यार्पण कर स्वागत किया व कांग्रेस जिंदाबाद के नारों से क्षेत्र को गुंजमान कर दिया। बेद ने इन गांवों में जगह जगह बैठक की। बैठकों में बुजुर्गो युवाओं ने दिल जान से बेद का साथ देने का आश्वासन दिया तथा कांग्रेस को भारी महत्व से विजयी बनाकर विधानसभा में भेजने का आश्वासन भी दे डाला। ग्रामीणों ने कहा कि भाजपा के 4 साल के कार्यकाल में हर इंसान दुखी हो गया है, अब इंसान को कांग्रेस पार्टी की सरकार का इंतजार है। इस अवसर पर बेद जी के साथ धान राम सैनी, फूल राम धनेवा, सुरेश धूबा, हरी सिंह गोस्वामी, गोविंद शर्मा, सतीश सैनी, शिव शंकर सैनी सहित सैकड़ों ग्रामीण आदि मौजूद रहे। दूसरों आधार बनाकर लोगों ने रिजर्वेशन दे दिया। नतीजों के निकले हो, 18 लोगों के ऊपर अन्याय हुए हो, अत्याचार हुए हो, जगह जगह देश के अलग अलग जगह अत्याचार और अविश्वास की भावना डेवलप हुई और देखो नतीजों थे। 2 तारीख आड़ी थारी रैली में देख लियो कि जो भारत बंद को कार्यक्रम हो वो पूरा देश में कितनी सफलतापूर्वक भारत बंद को कार्यक्रम हुए हो। और मैं कहता हूं यहां गर्व है कि आजादी के बाद वो महीनों दिनों जब पूरा देश ने मालूम पड़ो तो ऊपर हम पुनर्विचार करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इसके ऊपर दोबारा सोच बनाए कि भाई किन किन लोगों को मिलना चाहिए और किन लोगों को नहीं मिलना चाहिए और कितने समय के लिए ये मिलना चाहिए। उसकी इस छोटी सी बात से जो कि उसके दिमाग को उजागर कर गया, दिमाग में उगाड़ के बता दियो कि आके मन में सोच के आपकी सोच हमेशा आ रही है कि भाई मैं इसी जगह लगाया जब वास्तव में लोगों ने इसकी जरूरत है। बी टाइम मेरे मन में सोच है कि जो गरीब तबको है, जो हरिजन लोग है, मैं मनो कहता कि डॉक्टर साहब सामुदायिक विकास भवन जो है वो तो गांव में कड़ी बना दो मारे के काम आ सी। मारे शादी ब्याह हुआ है, बारात आवे तुम्हारे ठहरने की जगह को नहीं तो इसी जगह बनाओ जो मारे मोहल्ला के नजदीक हुए या मारे मोहल्ला के अंदर हुए। आज चीज मेरे दिमाग में इतनी गहराइयों बैठी कि पूरा तारानगर विधानसभा क्षेत्र में मन कोई नेता और कार्यकर्ता श्री दानाराम जी मेघवाल, श्री फूलाराम जी धनेवा, श्री चानन जी गोदारा, सारे गांव का बताओ गोविंद जी मंच पर विराजेड़ा और सारा कांग्रेस का कार्यकर्ता गांव धीरवास छोटा का सारा भाइयों बहनों और टावरों, सब पहले तो मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि थार लोगों को मेरे ऊपर 2003 में आशीर्वाद रहे हो उल्लू पड़े भी के लारे लारे भागना पड़े। मैं थाने इतना कहना चाहूं अब लोग समझदार हो गया कि बार जको थे निर्णय लियो वो बहुत सोच समझ के निर्णय लिया। पार्टी ने देखो, आदमी ने देखो, थारो पेट भरे बट वोट लगाओ जगह थारो भी विकास हुए, पार्टी को भी जीसरो हुए, राज कांग्रेस को आवे, अटो एमएलए कांग्रेस को जीत के जावे, राज में थारो सीर हुए, थारो मनपसंद एमएलए हुए तो देखो थारे सागे लाभ ही लाभ है, हानि को कोई काम कर। आज छोटी छोटी बातें कहनी मैं थारे बीच में आयो। अब फीलों के है कि जनता जनार्दन है और जनता की जो की आवाज है भाई ईश्वर की आवाज है और विश्वास रखा और न मेरा पिताजी 40 साल अट रहा ते बा को इतिहास उठा के देख लियो थारे सागा अन्याय को नहीं और मैं भी कौन हूं और थारे सागे जो की जाति हुई है बिना मैं वापस सुधार करके सही कराना को कोशिश की कर सू करा के बता सू थाने जब थाने विश्वास इसी कि यारी को बाप जी से वो भी सही बेटो है। ऐ बात है जबकि मैं थाने कहना चाहूं चुनाव आ गया दिसंबर में, दिसंबर में देखो
हरे हाथ में लाठी आवे पांच साल में एक बार, बार बार को नहीं आवे, पांच साल में एक ही बार लाठी हरे हाथ में आवे, और फिर वो बटन दबाओ, बटन दबाता ही थारा हाथ कट गया। हाथ कट क्यों गया? विधानसभा में कांग्रेस, लेकिन दुर्भाग्य हो रहे हो कि 2003 में कांग्रेस को राज करने वाले हो, बीजेपी को राज करते हो, तो बीजेपी के राज में मेरा हाथ जका हाथ में बुंदेड़ा रह गया। मैं जकी मेरी सोच ही जको काम मैं कराना चाहता हूँ, आपने तारानगर विधानसभा क्षेत्र में गांव गांव में ढाणी ढाणी गाँव हूँ जिकी आवाज निकल सी भी साबुनी आदमी बटन दबा में कोई के दाब में कहना हूं या कोई के समझाना हूं फोन लगा में, तो फिर सही निर्णय लिया। कांग्रेस के राज में मैं वो चाहूं, मेरी दिली ख्वाहिश है, मैंने मेरो व्यक्तिगत स्वार्थ की होनी चाहिए, आप ये बात मान के चलिया, मन कोई चोरी बेईमानी अटकर लोग मन क्यों पसंद करे, क्योंकि माने वो विश्वास है कि यार बैग जी को बेटो है, पांच साल देख चुके हैं इन्हें, वो चोर कोनी बदमाश कोनी गुंडो कोनी गलत काम कोनी करे, इस वास्ते इतना विश्वास है, यदि मैं मेरे सागे लागे नहीं तो कौन लागे, आज सागे कोई सागे कौन लागे, तो थे इस चीज को विश्वास रखा कि आने वालों टाइम आप लोग है और आपने गांव की समस्या स्पेशली हर लोग की समस्या हल करने वास्ते मैं सब आगे पास उठाना, इस चीज को मैं खाना विश्वास दिलाना चाहूँ।